Realme GT Neo 3 को यूज़ कर रहा हूँ, उनके फ़ोन में बहुत सारा इश्यूज वगैरह देखने को मिल रहा है, जैसे कि लैग इशू, हीटिंग इशू, ऐसा बहुत सारा इश्यूज देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद बैटरी ड्रेन इशू, तो ये सब इश्यूज को सॉल्व कैसे करना है, क्यों ये सब इशू फ़ोन के अंदर आ रहे हैं। और बहुत सारे लोगों के मन पर ऐसे भी क्वेश्चन होगा कि न्यू फ़ोन परचेस करने के बाद मुझे क्या ये इशूज़ वगैरह देखने को मिलेगा या फिर नहीं। सबसे पहले तो मैं बता दूँ, आप लोग अगर न्यू GT Neo 3 को परचेस करते हो उसके अंदर ये सब इशू नहीं रहेगा। फिर यार परचेस करने के बाद क्यों ये आ जाता है वो भी यार बताऊंगा, इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी बताऊंगा। तो ये वीडियो के अंदर जो चीज मैं बताऊंगा, ठीक है, अगर दूसरे किसी ने उसके चैनल पर ये चीज अप्लाई की फिर इस चीज के बारे में बताया, ये पॉइंट के बारे में बताएगा, तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। लेकिन किसी ने भी अगर फलाना ढिमकाना कुछ भी चीज को अप्लाई किया, कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स दिया, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। बस एक ही काम कर रहा है, प्रॉब्लम आपका सबका सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद बताने वाले हैं। और ये सब इश्यूज वगैरह क्यों आ रहे हैं वो भी बताएंगे। लेकिन उसके पहले चैनल पर सब्सक्राइब कर देना अगर न्यू हो तो, क्योंकि फोन परचेस कर रहे हैं भाई थोड़ा दिक्कत आ रहा है, क्योंकि पैसा उतना भाई बहुत ज़्यादा खर्च हो चुका है अभी तक, और पैसा भी नहीं आ रहा है। एडसेंस में प्रॉब्लम आ गया, 10,000 रुपये मेरा एडसेंस है वैसे भी, उसके बाद छोड़ देते भाई, सिंपथी आप लोग बोलोगे लेकिन छोड़ दो, लेकिन थोड़ा सपोर्ट अगर कर सकते तो ज़रूर करना, थोड़ा और ज़्यादा सपोर्ट करना, ठीक है। तो चलो और भी फ़ोन वगैरह परचेस कर लेंगे, उसका भी रिव्यू वगैरह लाएंगे, तो आप लोग बस साथ में रहें, तो हम लोग ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो चलो कैसे बात करने वाले फ़ोन के अंदर जो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये सब जो हीटिंग इशू, लैग इशू है, क्यों आ रहा है भाई? सबसे पहले तो भाई ये न्यू फ़ोन में क्यों नहीं आता वो बताते हैं। सबसे पहले भाई ये न्यू फ़ोन में नहीं आता इसके लिए, क्यों? न्यू फ़ोन जब आता है भाई, फ़ोन के अंदर अपडेट्स वगैरह नहीं होता। जब भी आप अपना फ़ोन को न्यू अपडेट कर लोगे भाई, ये सब जो प्रॉब्लम आ रहा है, बैटरी ड्रेन इशू, ये जो भी इशूज आ रहा है भाई, सभी मैं बोलूँगा ये अपडेट जो आपने अपना फ़ोन को कर लिया ना, इसके वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आप अपना फ़ोन को अपडेट ना करते, जो भी लोग अपना फ़ोन को न्यू परचेस कर रहा था 1 साल 1.5 साल पहले, उसके बाद फ़ोन को अपडेट नहीं किया, तो पहले कुछ अपडेट करना मतलब वो नेसेसरी था, क्योंकि फ़ोन के अंदर 60 FPS देखने को मिला अपडेट करने के बाद, 5G कनेक्टिविटी ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है। तो जो लोग अपडेट पहले से नहीं किया, 2-3 अपडेट करने के बाद 60 FPS उन लोगों को मिल गए, उसके बाद से अपडेट नहीं किया, उनका फ़ोन काफ़ी अच्छे चल रहा है। मेरे बहुत सारे दोस्त भी यूज़ करते, मैं भी यूज़ कर रहा था, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आया था, ठीक है। GT Neo 3 के ऊपर मैंने फुल गेमिंग टेस्ट वीडियो बना था, जो कि अपडेट ना किया था मैंने तब फ़ोन को, और उसके अंदर भाई 60, 58 FPS, 55 FPS तक देखने को मिल रहा था, और फ़ोन के अंदर टेम्परेचर एल्गोरिदम सिस्टम भी लगा हुआ था, अभी भी लगा हुआ है, लेकिन उसके वजह से भाई फ़ोन के अंदर जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाता। तो इसके लिए भाई अगर आप लोग GT Neo 3 को अगर आप लोग यूज़ करते हो भाई, ठीक है, तो अपडेट ना करके यूज़ करते हो तो फ़ोन के अंदर गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, और जो लोग अभी यूज़ कर रहे हैं भाई अपडेट ना करके, उनके फ़ोन में भी इश्यूज वगैरह नहीं आ रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है भाई फ़ोन को अपडेट करना? कोई भी सिक्योरिटी पैच अपडेट आ जाए आप लोग कर लिया, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आया भाई एंड्रॉयड 14 अपडेट करने के बाद, ये फिर आपने अगर एंड्रॉयड 14 का बीटा को अपडेट किया, बीटा वर्जन को, तो भाई और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आपके फ़ोन में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या है, सॉल्यूशन क्या है भाई? तो आपको सीधा एक सॉल्यूशन देने वाला हो भाई, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बैटरी ड्रेन इशू आ रहा है वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो आपको करना क्या है भाई, सर्विस सेंटर में लेके जाना है फ़ोन को और बोलना है भाई मेरे फ़ोन को डाउनग्रेड करा दो, ठीक है। तो उधर जाने के बाद आपका फ़ोन फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनग्रेड हो जाएगा। सॉफ्टवेयर के लिए कंपनियां पर चार्ज नहीं करते, अगर करते भी हैं मुझे तो नहीं लगता नहीं करेंगे, IQOO वाले नहीं करते, वीवो वाले नहीं करते, अदर्स MI वाले भी नहीं करते, लेकिन इधर अगर लेता है तो भी यार 200 रुपये लेगा और आपका प्रॉब्लम जो है ना पूरा एकदम जड़ से ख़त्म हो जाएगा। जो कि भाई आपके लैग इशू था, जो कि हीटिंग इशू वगैरह था, जो कि अपडेट करने के बाद फ़ोन के अंदर न्यू इशूज़ वगैरह हैं, क्योंकि अपडेट करने के बाद कंपनी अपना फ़ोन को दूसरा फ़ोन को सेल करने के लिए पिछले वाले फ़ोन के अंदर थोड़ा मतलब स्लो कर देता है फ़ोन को, जो कि मुझे जितना तक लगता है और लोग ये जानते भी होंगे, फिर भी अपडेट करते हैं न्यू चीज़ के लिए, न्यू ऑप्शन देखने को मिलते हैं इसके लिए और फ़ोन को ख़राब कर लेते हैं। तो ये बस को डाउनग्रेड करा दो भाई, प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व हो जाएगा। और यार 1-1.5 साल बाद जो लोग बोलते हैं ना कि एंड्रॉइड फोन स्लो हो जाता है, मैंने अपना IQOO 7 को ना अपडेट करके अभी तक यूज़ कर रहा हूँ भाई, कोई लैग इशू नहीं, कोई हीटिंग इशू नहीं, कोई एकदम मक्खन चल रहा है गेम। तो अगर आपके अपना फ़ोन को कोई भी फ़ोन हो भाई, अगर अपना फ़ोन को लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर रहा है, लॉन्ग टाइम के लिए चलाना है, फ़ोन को अपडेट नहीं करना है, हो सकता है आप लोग समझ गए होंगे और समझदार आप लोग हो, तो जो मैंने बोला वो अप्लाई करो और सर्विस सेंटर में जाके डाउनग्रेड करा के आओ, तो
प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग कमेंट करना कि भाई सॉल्व हुए फिर नहीं। और जो लोग न्यू फोन परचेस करना चाहते हो, जो लोग बोल रहे थे कि GTNEO 3 को भाई मैं न्यू परचेस करूँ फिर नहीं प्रॉब्लम आ सकती है फिर नहीं, तो आप लोग न्यू परचेस कर सकते हो, लेकिन फ़ोन को अपडेट मत करना। जो भी अपडेट आए, बड़ा अपडेट को तो मत ही करना और सिक्योरिटी पैच वाला अपडेट को भी मत करना। तो चलो यार, हो सकता है आप लोग समझ गए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल, मिलते से भी ज़्यादा कोई बड़े से कॉन्टेंट के साथ। बाय।